हाय गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे टू फैमिली को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, दीपावली बस 2-3 दिनों में दीपावली आ रही है। हाँ, तो मूर्तियाँ जो होती हैं पीतल की, काफ़ी पुरानी जैसे लगने लगती हैं, तो उनको चमकाने के लिए मैं एक दिमाग लगाया है और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं सोचा एक वीडियो बनता है यार, आप सब भी मूर्तियों को चमकाएंगे, शायद नहीं चमकती होंगी। तो मैंने दिमाग लगाया पहले, अगर सक्सेसफुल होता है तो एक वीडियो बनता है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सक्सेसफुल रहा तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है, आप भी करिएगा, बहुत ही अच्छा है। ओके, चलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हो गया पीतम्बरी, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका दही। उसके बाद आपको इसको मिलाना है। और सिंपल से इसको लेके हल्का सा, जैसे इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, आप ऐसे करके लगाइए इसको। दोस्तों, मैंने सभी मूर्तियों पर लेप लगा दिया है। लेप लगाने के 5 मिनट बाद इसको जूने से हल्का हल्का लगड़ लीजिए, फिर देखिए कमाल। दोस्तों, मैंने मूर्ति को लगड़ लिया अच्छी तरह, अब इसको धोते हैं, देखते हैं मेरे मन लायक चमका है कि नहीं चमका है। हाँ यार, और मैं बता दूँ, कोने कोने में उंगलियाँ नहीं घुस पाती है, तो वहाँ पे न्यू ब्रश ले लीजिए और ब्रश से उस कोने कोने में मार लीजिए, पीतम्बरी होती है ना, वो साफ हो जाएगा आपका। धो दूँ अच्छे से, फिर मालूम चले, पूछूँ उसके बाद कि कैसा मेरा आइडिया सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, भोले बाबा की कसम, सच सच बताना आप सब कि मेरा आइडिया पीतंबर और दही लगा के लेप जो मैंने मूर्तियों को चमकाया है, सच में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आप सब देख लिए ना कैसे मूर्तियों को फटाक से चमकाया जाता है, और दिल खुश, बहुत ही प्यारा, मतलब यार दिल खुश हो गया, देख रहे हैं पूरा चमक रही है बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरिया। और उसके बाद लाइए, ये है चांदी की थाली। अब इसको चमकाने, ये चांदी की थाली है, इसको चमकाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या यूज करेंगे। लो जी, ये देखिए पाउडर, पेस्ट नहीं, पाउडर, उसको निकाल लीजिए और उसको हल्का हल्का लगा के छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा बाद 5 मिनट बाद लगड़िए उसको अच्छे से ना, और चमक जाएगा वो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हैप्पी दिवाली सभी दोस्तों को दिल से। इस वीडियो को मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि जो ये वीडियो आगे भी जाए और लोग भी जानकारी उनको मालूम चले कि पीतम्बरी और दही से इस तरह का लेप लगाने से मूर्तियाँ चमक जाती हैं। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके पीतल के सामान चमके हैं या चांदी के, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप पीतल अगर यूज किए हैं, चमका है मेरा वीडियो देख के, तो बताइएगा जरूर कि हाँ भाई आपकी बातें सही हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, दिल से सभी दोस्तों को महादेव, मेरे सभी दोस्तों को मस्त रखें और खुश रखें। अभी इतनी सारी मूर्तियां बची हुई हैं, इनको भी चमकाना है मुझे, तो चमका के फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, ये हमारे साईं भगवान है, ओम साईं राम।